Tráemelo. जल्लीकट्टू मलयालम मूवी जो इंडिया की तरफ से ओस्कर के लिए भेजी गई। ऐसा क्या है इस मूवी में, ऐसी क्या स्टोरी है इस मूवी की कि इंडिया की बाकी सभी मूवीज को पछाड़ कर ये वर्ल्ड लेवल की ओस्कर लेवल की मूवी बन गई। इस छोटी सी वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप भी जान सको इस मूवी की स्टोरी को, इस मूवी की खूबी को, और फिर अपनी राय भी जरूर देना ये मूवी ओस्कर डिजर्व करती है या नहीं। मूवी की स्टोरी जंगल में बसे एक गांव के लोगों और एक भैंस के बीच बुनी गई है। मूवी स्टार्ट होती है वारकी नाम के एक कसाई से, जिसकी इस गांव में एक लोती मीट की दुकान थी, जिसमें वो हर सुबह एक भैंस को काटकर उसका ताजा मीट बेचता था। वारकी के साथ एंटनी नाम का एक लड़का और भी काम करता था, जो कि वारकी की बहन सोफी को पसंद करता था। और एक सुबह वारकी जैसे ही एक भैंस को काटने जाता है तो वो भैंस उससे किसी तरह छुड़ाकर भाग जाती है। भैंस मौत के मुंह से निकलकर भागी थी तो वो किसी के हाथ आने वाली नहीं थी। उसके सामने जो कुछ भी आता वो उसे तहस नहस कर देती। भैंस पूरे गाँव में इतना आतंक मचाती है कि पोल नाम का एक बूढ़ा आदमी भैंस के मालिक वारकी के खिलाफ शिकायत करने और भैंस को पकड़वाने एक पुलिस वाले के घर जाता है, क्योंकि भैंस ने उसके पूरे गार्डन का भी सत्यानाश कर दिया था। तो पुलिस वाला सोल्यूशन बताने की बजाय भैंस को शूट करने को बोलता है, पर पोल इस बात से सहमत नहीं था। वो भैंस के मामले की सूचना कलेक्टर को देने शहर के लिए रवाना हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद ही वही पुलिस वाला चर्च के पास जाकर गाँव वालों को बोलता है कि सरकारी कार्रवाई में देर लगेगी और वो भैंस तब तक और आतंक मचाए, उससे पहले आप लोग उसे पकड़ कर मार डाले। पुलिस के द्वारा ये बोलने के बाद गाँव के लोग भैंस को पकड़ने के लिए हर जगह फैल जाते हैं, पर इतने लोगों में से कोई भी भैंस को पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि भैंस के सामने जो कोई आता वो उसे कुचल देती। और इसी दौरान गांव के एक आदमी की भी मौत हो जाती है और सभी गांव वाले परेशान होकर दूसरे गांव से कुट्टेचन नाम के आदमी को बुलाने को बोलते हैं, क्योंकि कुट्टेचन के पास गन थी जिसकी मदद से वो उस भैंस को मार सकता था। दरअसल कुट्टेचन कुछ साल पहले इसी गाँव में वारकी की दुकान पर काम करता था, जिसे वारकी की बहन सोफी भी पसंद करती थी। लेकिन सोफी और कुट्टेचन का चक्कर एंटनी को गवारा नहीं था और उसने एक रात चाल चल कर कुट्टेचन को पहले खूब शराब पिलाई और फिर चर्च के बाहर खड़े चंदन के पेड़ को कटवा कर सभी को कुट्टेचन के खिलाफ भड़का दिया। और गांव वालों को एंटनी की बात पर विश्वास भी हो गया, क्योंकि कुट्टेचन चंदन की लकड़ी का तस्करी करता था। जिसके बाद कुट्टेचन को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके गाँव आने पर पाबंदी लगा दी गई। तब से एंटनी और कुट्टेचन के बीच दुश्मनी हो जाती है। खैर, कुट्टेचन को बुलावा भेजा गया, जिसके बाद वो किसी विलन की तरह अपनी गन के साथ गाड़ी के ऊपर बैठकर आता है और भैंस को मारने के लिए एक खूंखार जानवर की तरह जंगल में उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच भैंस एंटनी के पास से गुजरती हुई एक गड्ढे में जा गिरती है और जब एंटनी का ध्यान गड्ढे में गिरी भैंस पर जाता है तो वो सभी को बोलता है कि उसने ही उस भैंस को पकड़ने के लिए उसे गड्ढे में गिराया है और इसलिए अब उस पर मेरा अधिकार है, मैं ही उसे मारूंगा। एंटनी के ये बोलने पर सभी गाँव वाले भैंस को गड्ढे से निकालने में मदद करने लगे और कुछ देर की जोर आजमाइश के बाद भैंस को ऊपर लाया जाता है। लेकिन भैंस ऊपर आने के बाद फिर से गाँव वालों से छुड़ाकर भाग जाती है, जिसका दोषी गांव वाले एंटनी को ही मानते हैं, क्योंकि वो भैंस पर अपना अधिकार नहीं जमाता तो गड्ढे में ही उसे ढेर कर दिया गया होता। इसी बीच पुलिस वाले भी भैंस की खबर लेने वहां आते हैं, लेकिन गांव के सभी गुस्साए लोग पुलिस पर ही भड़क उठते हैं, जो कि उनकी गाड़ियों को भी जलाकर फिर से भैंस की मौत बनकर उसका पीछा करने लगते हैं। भैंस को ढूंढते हुए एंटनी और कुट्टेचन भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जिनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और एंटनी मौके का फायदा उठाकर कुट्टेचन को चाकू से जख्मी कर देता है। जब गांव वालों की नजर घायल कुट्टेचन पर पड़ती है तो उनमें से कुछ लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से सभी गांव वाले भैंस को ढूंढ कर पकड़ने लगते हैं, लेकिन भैंस अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई एक तालाब में जा फंसती है। इसी बीच एंटनी भी गाँव वालों के साथ भैंस के पास पहुँच कर उसे चाकू से काटने लगता है। एंटनी को ऐसा करते देख सभी गाँव वाले अपना अपना हक जमाने लगते हैं, पर एंटनी मानने को तैयार नहीं था तो गाँव वाले एंटनी के साथ एक दूसरे के साथ एक भैंस के लिए झगड़ने लगते हैं। और इसी बीच इंसानों की लड़ाई में दम घुटने की वजह से उस बेचारी भैंस की जान चली जाती है। इसके अलावा इतने सारे लोगों में एंटनी का भी दम घुटने लगता है, जो कि भैंस की तरह ही ऊपर आने के लिए तड़प रहा था। और तभी सीन यहाँ से रिप्लेस करके एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने घर के बाहर उसी भैंस की आत्मा को खड़े देखता है, जो मानो उससे सवाल कर रही हो कि इंसान भी किसी जानवर से कम नहीं है। वो एक मांस के टुकड़े के लिए एक दूसरे के ही दुश्मन बनकर जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम आदिमानव को देखते हैं, जो कि आज के इंसान की बात ही मांस के लिए
लिए एक दूसरे की जान लेते दिखाई देते हैं। मूवी की स्टोरी यही बताना चाहती है कि आज के इंसान और आदि मानव की सोच में कोई अंतर नहीं है। आधुनिक युग में इतनी टेक्नोलॉजी और सक्सेस के बाद भी इंसान अपनी लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो फिल्मी टीवी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।